तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि सेमीकंडक्टर से आर्धचालक क्या होते हैं और ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं या आर्धचालक होते हैं, वो प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब हम उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाते हैं। अब जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इसको हम कह सकते हैं ये इम्प्योर या अशुद्ध सेमीकंडक्टर्स होते हैं या अर्धचालक होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं अशुद्धियों को मिला देते हैं। तो हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को पूरा पढ़ने से पहले ये आपके पांच टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है डोपिंग, डोपिंग क्या होता है और इसका इस्तेमाल एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्यों किया जाता है। दूसरा टॉपिक है डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है। तीसरा है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होता है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो तरीके से विभाजित किए जा सकते हैं, क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोपिंग क्या होता है। तो जो आपके पास सेमीकंडक्टर होता है या अर्धचालक होता है उसमें अगर मैं यहाँ पे उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं भी एग्जांपल ले लेता हूँ सिलिकॉन का, आप जर्मेनियम का भी ले सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ये आप क्रिस्टलाइन नहीं होता है, सिर्फ क्रिस्टलाइन होता है। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसका। तो इस तरीके से कुछ ये इसका क्रिस्टल लैटिस बन जाता है और यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सभी के पास चार कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सिलिकॉन की आखिरी कक्षा में क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दूसरे सिलिकॉन एटम के चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आप किसी भी सिलिकॉन एटम या परमाणु का जब देखेंगे यहाँ पे तो उसके पास आठ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन एक सिलिकॉन एटम के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दूसरे जो चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां से आते हैं, वो आपके आते हैं सहसंयोजी बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड से आते हैं। तो इस तरीके से आपका एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसे आप बोलते हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अशुद्धि को मिला देते हैं। डोपिंग मतलब होता है अशुद्धि का मिलाना, मतलब एडिंग इम्प्योरिटीज। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जो भी आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या करेंगे, उसमें अशुद्धि मिला देंगे। अब जो अशुद्धि मिलाई जाती है इसमें किस रेशियो से मिलाई जाती है, ऐसा नहीं किया जाता है जैसे आपके पास ये सिलिकॉन का एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है, आपने इसमें 50% अशुद्धि मिला दी। ये अशुद्धि का एक स्तर होता है कितना हम इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें बहुत ज्यादा अशुद्धि मिला देंगे तो क्या होगा, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वही बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो लगभग 10^6 से लेके 10^10 एटम्स में क्या होते हैं, एक अशुद्धि मिलाई जाती है, मतलब लगभग 10^6 से लेके 10^10 एटम्स आप ले लेते हो सिलिकॉन के, उसमें एक अशुद्धि मिलाते हो। तो इससे क्या होता है, जो एक अशुद्धि आप मिलाते हो उसके चारों तरफ कौन से एटम्स होते हैं, सिलिकॉन के एटम्स होते हैं। तो इसका जो वास्तविक स्वरूप और इसकी जो वास्तविक प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं बदल पाती है। तो यहाँ पे आपको रेशियो हमेशा याद रखना है कि जो रेशियो होगा वो हमेशा 10^6 से लेके 10^10 तक होगा, मतलब इतने सिलिकॉन के एटम में आप एक अशुद्धि मिलाएंगे और दो अशुद्धियां या तीन अशुद्धि इसी के रेशियो में आप एक अनुपात भी आपके सामने दिया हुआ है, लगभग इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा किसमें अशुद्धि नहीं मिलाएंगे। अब जो अशुद्धि मिलाई जा रही है, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे तरीके की अशुद्धि होती है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लू, फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये क्या है,
बहुत सारी तरीके की अशुद्धियां हैं, ये अशुद्धि ही मिलाने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अब ये जो अशुद्धि है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डोपेंट, मतलब जो अशुद्धि आप इसमें मिला रहे हो उसको बोला जाता है डोपेंट। ये जो अशुद्धियां हैं इसको आप जब इसमें मिलाओगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डोपेंट। तो हम यहां पे किसी भी एक एटम को निकाल के इसकी जगह एक अशुद्धि को मिला देंगे, तो जो अशुद्धि मिलाई जा रही है उसको हम बोलते हैं डोपेंट। अब जो अशुद्धियां होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है डोनर इम्प्योरिटी, एक होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और यहां से ही एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो हम अशुद्धि मिला रहे हैं ये किस प्रकार की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी, जैसे कि इससे नाम से पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये कुछ डोनेट कर रहा है, मतलब इसके पास कोई चीज ऐसी है जो बहु संख्या में है या बहु मात्रा में है और ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटी जैसे कि इसके नाम से पता है कि ये कुछ डोनेट कर रहा है, इसके पास कोई चीज बहु संख्या में है ये उस चीज को डोनेट कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है, इसके नाम से ही पता चला है डोनर इम्प्योरिटी, मतलब हम इसमें ऐसी अशुद्धि कोई मिलाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपना डोनेट कर सकता है। तो यहां पे ये जो आपके डोनर इम्प्योरिटी होते हैं इसमें क्या होता है, यहां पे हम कौन सी इम्प्योरिटी लेते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लेते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इस डोपिंग के तरीके में जिसमें हम डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं या डोनर अशुद्धि को ऐड करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या पंच संयोजी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब हम इस इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, ये जो पंच संयोजी इम्प्योरिटी होती है इसमें क्या होता है, इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले देते हैं फॉस्फोरस का, तो इसका जो आखिरी कक्षा होगा, तो इसका जो आखिरी ऑर्बिट होगा उसमें क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे क्या है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे आप देख सकते हो सिलिकॉन के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं ये अशुद्धि यहां पर मिला दूंगा तो क्या होगा, इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा बाकी सिलिकॉन एटम के साथ। तो ये जो हम यहां पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ये इम्प्योरिटी कौन सी इम्प्योरिटी कहलाएगी, ये कहलाएगी डोनर इम्प्योरिटी। क्योंकि इसके पास क्या है, इसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा और बाकी जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड बना लेंगे दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ। तो इसका जो नेचर होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे देगा तो ये कैसा, कौन सा आयन बन जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं डोनर आयन। ये डोनर आयन बन जाएगा और इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि जो डोनर इम्प्योरिटी होती है, डोनर इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी होती है जिसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और डोनर जो ये आयन होती है इसको आप डोनर आयन बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, दूसरे को दे देता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होता है, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके पास सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें एक्सेप्टर इंप्योरिटी में क्या चाहिए होगा, हम ऐसे किसी भी एटम का यूज करेंगे जिसकी आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हम ऐसे किसी भी पदार्थ का यूज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं जो ट्राइवेलेंट हो, मतलब इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे हम एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं तो इसकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम ये जो आपकी इम्प्योरिटी है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी एक ऐसा पदार्थ यूज कर रहे हैं जो त्रिसंयोजी हो या ट्राइवेलेंट हो और इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब ये क्या करेगा, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे सिलिकॉन की जगह अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं या इस अशुद्धि को यहां पे डालूंगा तो क्या होगा, यहां पे एक जगह खाली रह जाएगी। तो ये जो जगह खाली रह जाएगी, यहां पे हमेशा संभावना बनी रहेगी कि कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आसानी से आ सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर, या ये जो पूरा ये आयन है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हम इस आयन को जब ये यहां पे लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्सेप्टर आयन। तो ये क्या कहलाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी आपके एलिमेंट्स जिनके आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप इसमें और भी ले सकते हो, बोरॉन ले सकते हो, बोरॉन गैलियम, तो इसमें दोनों के केस में क्या है, यहां पे आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये हमेशा क्या करेगा, जब आप इसको यहां पे एज ए इंप्योरिटी लगा दोगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक, एक होता है एक्सट्रेंसिक। और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनको दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पे ही रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो डोपिंग होती है, डोपिंग करने के बाद आपको एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं, मतलब जो आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, हम इसमें कौन सी डोपिंग करेंगे, इसमें हम करेंगे पेंटावेलेंसी डोपिंग। पेंटावेलेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी डोपिंग करेंगे, और पेंटावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स जो होते हैं इसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के एग्जांपल्स क्या है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये और भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी अशुद्धि या ऐसी कोई भी इंप्योरिटी जो कि जिसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको अगर आप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में एज अ इंप्योरिटी या अशुद्धि की तरह यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स मेड बाय एडिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब अगर कोई भी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें अगर आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी तो जो आपको अब नया सेमीकंडक्टर मिलेगा वो क्या होगा, वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसके क्रिस्टल लैटिस में देखने की कोशिश करें तो यहां पे क्या होगा, हमने सपोज फॉस्फोरस का यूज कर लिया, तो फॉस्फोरस की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो यहां पे हमने फास्फोरस को लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया फास्फोरस का, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं इसकी आधी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी आधी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ये फास्फोरस हमने यहां पे डाल दिया है और ये हमने जो डोपिंग की है, ये डोपिंग किस मात्रा में की जाती है, लगभग 10^6 सिलिकॉन एटम के बीच में आप एक फास्फोरस एटम को डालते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फास्फोरस है इसके चारों तरफ क्या होगा, सिलिकॉन के एटम्स होंगे। तो यहां पे क्या है कि यहां पे एक हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, तो आप यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसको क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने किसी भी सिलिकॉन या फास्फोरस के साथ किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं की है। इसके जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने तो कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्डिंग कर रखी है, लेकिन इसने किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग इसके साथ नहीं की हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में जहां पे भी इसका मन होगा वहां पे ये इजिली घूम सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे क्या है, जो फास्फोरस है उसके साथ तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स से मिला हुआ होगा, लेकिन वो फोर्स इतना कम होगा कि अगर जरा सा भी तापमान में वृद्धि हो, या हम ले सकते हैं 0 डिग्री केल्विन अगर तापमान भी होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, जो इसका बॉन्ड होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ, जो फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग है न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ जो फास्फोरस की इसकी बॉन्डिंग है वो इतनी कमजोर होगी कि हल्का सा भी तापमान होगा तो वहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा और ये कहीं भी पूरे लैटिस स्ट्रक्चर में कहीं भी घूमता रहेगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा इसी की वजह से क्या होगा, कंडक्शन होगा, बिजली इसी की वजह से बहना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसी को ही, अब ये जो फास्फोरस एटम है तो हम पहले देख चुके हैं फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या होगा, डोनर होगा। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये फास्फोरस, ये क्या है, ये डोनर है। तो फास्फोरस क्या है, यहां पे डोनर है, यहां पे फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये डोनेट कर रहा है, ये डोनर है। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। तो अब ये जब प्लस चार्ज आ गया तो यहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे क्या है, ये जो पूरी आयन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं इमोबाइल पॉजिटिव आयन। इमोबाइल पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्थिर पॉजिटिव चार्ज आयन। मतलब ये जो एक पॉजिटिव चार्ज आयन है तो ये क्या है, स्थिर है। लेकिन यहां पे एक समस्या आ गई, अब यहां पे क्या समस्या आ गई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, तो इस क्रिस्टल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल क्यों होगा, यहां पे जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे क्या होगा, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पूरा क्रिस्टल होगा आपके पास, ये जो पूरा क्रिस्टल होगा ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि ये जो आपके पास एक एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें जो ये इमोबाइल आयन है या जो स्थिर आयन है ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री है। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये जो होगा इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब अगर हम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका होता है वैलेंस बैंड जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये होता है कंडक्शन बैंड।
या इसको बोलते हैं चलन बैंड और नीचे इसको बोलते हैं संयोजी बैंड। इसके बीच में जो गैपिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो गैप होता है ये आपके अर्धचालक में कितना होता है, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अब हम यहां पे क्या बात करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। अभी ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये बना हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक एनर्जी बैंड और आ जाएगा और इसको आप बोलेंगे यहां पे इस तरीके का एक एनर्जी बैंड आ जाएगा और इस एनर्जी बैंड को बोला जाता है डोनर एनर्जी बैंड या डोनर एनर्जी बैंड। एनर्जी गैप या बैंड या लेवल। तो यहां पे एक और एनर्जी लेवल बन के आ जाता है जिसको आप बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। और ये जो गैपिंग होती है इसके बीच की, जिसको आप ई ए बोलेंगे, ईडी बोलेंगे, डोनर एनर्जी लेवल या ईडी। ये आपका जर्मेनियम, आपके पास दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है जर्मेनियम एक होता है सिलिकॉन। तो दोनों ही केस में ये अलग होगा। सिलिकॉन के केस में क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है ईडी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका जर्मेनियम जो होता है, ये जर्मेनियम के केस में होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो गया है। तो यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन पे भी कंडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप हो गया है कितना है, यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही कम एनर्जी गैप है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, बहुत ही कम एनर्जी देने पर, मतलब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पे क्या होगा, यहां से यहां जंप करके बहुत इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और ये आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं इसी की वजह से क्या होता है, कंडक्शन होता है और एनर्जी फ्लो होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्या है, हमने जब फॉस्फोरस या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का यूज किया हुआ है, तो यहां पे क्या है कि जो आप एक एनर्जी बैंड या एनर्जी लेवल आपका और बन गया है, जिसको आप बोल रहे हैं डोनर एनर्जी लेवल। और इस डोनर एनर्जी लेवल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आसानी से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें कंडक्शन होता है और इसमें एनर्जी जो होती है या करंट जो होता है बहुत आसानी से फ्लो होने लगता है। अब यहां पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से तो एनर्जी फ्लो होगी ही, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, अगर इससे धारा बहने लगेगी तो जैसे जैसे तापमान बहने लगेगा बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो आपके यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स भी हैं ये भी ब्रेक होने लगेंगे और आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और बहुत इजिली यहाँ पे कंडक्शन होता रहेगा। तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको आप बोलते हो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब जो बहुसंख्या में यहां पे हो और माइनॉरिटी मतलब क्या हुआ, जो अल्पसंख्या में हो। तो यहां पे बहुसंख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहां पे ऐड किए, तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें प्राप्त हो गए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बहुत संख्या में होंगे, तो जो एन टाइप आपका सेमीकंडक्टर होगा यहां पे क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत संख्या में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और आपके जो होल्स होते हैं ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं।
तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो आपका ये कोवलेंट बॉन्ड होगा, यहां पे जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वो होल्स की वैकेंसी क्रिएट होगी। और यहां पे आपको पता होगा कि जब यहां पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो ये जो करंट फ्लो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, लेकिन वैलेंस बैंड में या संयोजी बैंड में क्या होता है, जो करंट होता है वो किसकी वजह से बहता है, वो होल्स की वजह से बहता है। ठीक है, तो जो आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुमात्रा में होंगे और होल्स होंगे ये अल्पसंख्या में होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स में है और होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में है। तो इसमें जो धारा बहेगी आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में वो अधिकांश धारा आपकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहेगी। ठीक है, तो यहां पे हमने जो मेन पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि हमने एक इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है या हमने इसमें अशुद्धि मिलाई है जो पेंटावेलेंट है और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया है। तो ये एक छोटा सा हमने लैटिस लिया है, अगर हम पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वजह से विद्युत धारा का प्रभाव होगा। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर या हम पढ़ चुके हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो एन टाइप के और पी टाइप के होते हैं। हम ये देख चुके हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, अब हम देख रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन सी अशुद्धि मिला देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम अशुद्धि मिलाते हैं। तो अगर हम अशुद्धि ट्राइवेलेंट मिला देंगे, तो अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी जाती है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। अगर हम इसमें एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिला देते हैं तो इस ये क्या होगा, एक्सेप्टर इंप्योरिटी जो आपकी होती है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी में आपकी यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्राइवेलेंट और एक्सेप्टर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम जो आपके हैं ये ट्राइवेलेंट है, क्योंकि इनकी आखिरी कक्षा में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इसके आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इंडियम बना लें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस होगा और इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी आखिरी कक्षा में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इस इंडियम एटम को क्या करूंगा, यहाँ पे सिलिकॉन एटम से रिप्लेस करूंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंडियम यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इसको आप क्या बोलेंगे, होल। तो ये क्या बोला जाएगा, यहाँ पे ये होगा होल। तो यहां पे क्या होगा, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिला दे रहे हैं और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक होल क्रिएट हो जा रहा है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है। और वैकेंसी क्रिएट होने से क्या होगा, यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास एक वैकेंसी क्रिएट होगी, एक वैकेंसी इनको मिल गई, तो ये क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स 0 डिग्री केल्विन पे भी क्या करेंगे, यहां से यहां मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पे मूव कर सकता है और फिर वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करने लगेगा, यहाँ पे एक वैकेंसी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो आपका होल है ये बहुत ही आसानी से पूरे क्रिस्टल लैटिस में घूमता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत संख्या में क्या हो गया, जैसे कि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर था, तो यहाँ पे आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, तो यहाँ पे आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए होल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडियम आपने एक ऐसा क्रिस्टल डाल दिया है जिसकी आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक होल हो गया है। होल की वजह से क्या है कि बहुत आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल है, मतलब बहुत संख्या में क्या है, होल्स है, या इसको क्वार्टर भी कह सकते हैं। और जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत कम संख्या में होंगे,
अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ इंडियम की यहां पे बात कर लें तो ये आपके पास इंडियम है, ये होल हो गया और इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां पे होल है। तो ये क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो इंडियम है ये चारों तरफ से सिलिकॉन से घिरा हुआ है और सिलिकॉन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर रखी है, तो अगर बॉन्डिंग कर रखी है तो अपनी जगह से हिल तो सकता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका नेगेटिव चार्ज ई मोबाइल आयन है, मतलब ये ई मोबाइल ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, ये स्थिर है। क्यों स्थिर है, क्योंकि इसको सिलिकॉन ने चारों तरफ से पकड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जरिए। तो यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियम यहां पे है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन फिर से सेम वही चीज आ गई जो आपके एन टाइप में आई थी, जो ये क्रिस्टल होगा ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हुआ। क्यों, यहां पे जो आपके जो ये आपका इंडियम का आयन है ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन यहां ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, जो होल्स होंगे यहां पे जो होल्स होंगे, होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पे क्या होगा, जितने होल्स होंगे उतने ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इंडियम के ऊपर। आप देख सकते हैं अगर एक इंडियम का आपने एटम लिया तो उसके पास एक होल होगा, और इसके ऊपर अगर एक होल है तो एक प्लस चार्ज होगा, और यहां पे इंडियम के ऊपर क्या होगा, माइनस वन होगा। तो आप देखेंगे कि दोनों बैलेंस है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जितने इंडियम होंगे उतने ही ज्यादा होल्स होंगे और उतने ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये जो पूरा क्रिस्टल लैटिस होगा ये क्या होगा, ये आपका न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और इसमें आप देख चुके हैं कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम इसको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए इसका, तो ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड जिसको आप चलन बैंड भी बोलते हैं, और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड जिसे बोला जाता है। इसकी जो गैपिंग होती है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। एनर्जी गैप इसको आप ईजी भी बोलेंगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जब हमने यहां पे इंडियम ऐड कर दिया है तो यहां पे क्या होगा, आपका जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के पास में एक और एनर्जी लेवल आ जाएगा। ये एक और एनर्जी लेवल आ गया, ये एनर्जी लेवल कितना होगा, ये आपका सिलिकॉन में आपका होगा, ये इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका कौन सा एनर्जी लेवल है, ये है आपका एक्सेप्टर, तो इसको आप बोलेंगे EA, या इसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये आपके सामने जो है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो गया, और सिलिकॉन के केस में ये क्या होगा, ये होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में ये होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी गैप होगा यहां पे ये इतना कम होगा कि यहां पे क्या होगा, बहुत इजीली जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं बहुत आसानी से यहां पे वैलेंस बैंड से क्रॉस करके आपके इसमें चले जाएंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो यहां पे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऊपर की तरफ जंप करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, जो आपका कंडक्शन होगा, जो कंडक्शन होगा या विद्युत धारा बहेगी वो किसकी वजह से मेनली बहेगी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, वो क्या है, होल्स है। तो यहां पे बहुत संख्या में होल्स है, तो इसमें जो धारा बहेगी वो अधिकांश धारा आपकी होल्स के कंडक्शन की वजह से बहेगी, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहेगी, इसको आप बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से धारा का प्रभाव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है इसमें जो आपके बहुत संख्या में आपके होल्स हैं, और जो आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें बहुत संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और इसका यूज क्या होता है और इसका एप्लीकेशंस क्या होता है बहुत सारे। ठीक है, थैंक यू।